So next section is oxidation of phenol. This is phenol, and you will take the oxidizing agent sodium dichromate in sulfuric acid. So you have to remember this reaction, like it will give you benzophenone. Double bond yahan lag jayega, double bond yahan lag jayega. Theek hai? आपको एंड प्रोडक्ट बेंजोक्विनोन पता होना चाहिए, आपको रिएजेंट पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन आएगा. इसके अलावा बेटे और भी हैं, दीज आर इन द रेफरेंसेस बुक दैट यू डोंट हैव टू डू एंड डिस्टिंग्विश वी हैव विल डू आफ्टरवर्ड्स. नाउ कम टू बेटे अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स. ठीक है, if you remember, whenever yes, now ठीक है. So what was the end product? (473) ठीक है. अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो कंप्लीट डिहाइड्रेशन होती है. अगर टेम्परेचर कम हो, if you have taken alcohol, now same. You have given a dehydrating agent like sulfuric acid, but the temperature is 413 now. You will not get alkene, rather you will get ether. The mechanism of this reaction is very important. हमने अगर याद हो 443 temperature किया था तो H प्लस ने यहाँ पे आके अटैक किया था. अगर पुराना रिकॉल करो, ठीक है, यहाँ पे आके H प्लस ने अटैक किया था, ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं किया था, ये बॉन्ड लेके चली गई थी, आपका यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया था, इस साथ वाले कार्बन ने H प्लस दिया था और ये डबल बॉन्ड आया था बीच में, ये एल्कीन बनाई थी हमने. ठीक है, अब अगर अल्कोहल हो और अगर वहां से हमने ईथर्स बनाने हो तो क्या मैकेनिज्म फॉलो होता है? टेम्परेचर कम करने से बेटे एकदम से ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाती, क्या होता है देखो, राइट डाउन द मैकेनिज्म. ये आपका अल्कोहल है, the acid which you have given is sulfuric acid which will give H positive. Again this H positive will attack this lone pair again. Okay, so you will get this as an intermediate. Now ab bete dekho isme ye leke nahi jata, ye kya karta hai, back side attack karega. Isme aapke two molecules of alcohol reaction likhi hai na, usme two lagao alcohol ke aage. Two alcohol will give you one ether.
तभी तो CH3CH2O CH2CH3 है। अभी लिखिए ना रिएक्शन, उसके आगे अल्कोहल के आगे टू लगाओ। हाँ अभी मैंने बनाया का एंड प्रोडक्ट, अभी तो अभी रिएक्शन स्टार्ट हुई है आपकी। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में ये जो है ये बैक साइड अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा? चलो मैं इसको इस वे में बनाऊं पहले, तो वेट इसको आप इस वे में बनाओ। सेकेंड मॉलिक्यूल आ गया अल्कोहल का, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं बर्दाश्त कर सकती अपने ऊपर। अब अगर ये निकलेगी, अगर ये निकलेगी तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज जनरेट होगी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रही है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर बेटे ये वाले लोन पेयर आके, ये वाला मॉलिक्यूल अपने ये लोन पेयर से इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये वाला एज ए वाटर बाहर आ जाता है। समझ आई? अब क्या हुआ, CH3 CH2 O, ये H है, CH2 CH3। अब क्योंकि इसने अपने लोन पेयर से अटैक किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सेकंड अल्कोहल ने आके, जैसे आपने यू रिमेम्बर आपने SN2 रिएक्शन करी थी, SN2 में क्या किया था, बैक साइड अटैक होता था न्यूक्लियोफाइल का, था कि नहीं था, याद है थोड़ा थोड़ा? SN1 में जब आपके हेलो एल्केन थे, RCl पे OH नेगेटिव ने पीछे से अटैक किया था, ये SN1 टाइप की है कि एक OH निकल रहा है, एक OH निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, क्योंकि इस OH के ऊपर एक प्रोटॉन ने ऑलरेडी अटैक किया हुआ, इसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है, इस अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो ये वाली ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रही है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है, इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है बेटे, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इसके ऊपर अटैक कर सकती, मगर अगेन क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो स्टार्टिंग में हमने H+ कैटलिस्ट लिया था, एंड में H+ हमें मिल जाएगा, तो लास्ट में क्या होगा, CH3 CH2 O H CH2 CH3, ये पॉजिटिव है, ये अपना बॉन्ड देके निकल जाएगा, इससे हमारा ईथर बन जाएगा और हमारा जो स्टार्टिंग था H+ वो अलग हो जाएगा। ओके देखो, जब हमारा टेम्परेचर हाईर होता है ना बेटे, तब बॉन्ड की क्लीवेज पहले स्टेप नहीं हो जाती, मतलब वाटर आपने जब अल्कोहल से एल्कीन बनाया था तो ये वाटर पहले स्टेप में अलग कर दिया था आपने, कि आपके पास कार्बोकेटाइन बन गया था, फिर साथ वाली कार्बन से H+ अलग हुआ था, याद है?
मगर जब हम ईथर बनाते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो ऐसा नहीं है। ठीक, पहले एच प्लस आके अटैक करेगा, फिर इसके ऊपर बैक अटैक होगा, आगे से एच थ्री आगे से निकलेगा, वाटर, वाटर भी निकालो यहाँ पे, चाहे हियर यू कैन राइट वाटर। ये क्या निकल गया, वाटर। ठीक है, अब ये जो बना वो ये बना, अब ये एच प्लस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और आपके पास ईथर बन जाएगा। पहले जब आपके बेटे एमसीक्यू नहीं होते थे, दो मैकेनिज्म आते थे एल्कोहल से, तीन मैं बोलूं, एक तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन जिसमें एल्कोहल बनते हैं, एक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये भी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से या तो एल्कीन बनती हैं या ईथर्स बनते हैं, दोनों में से कोई भी बन सकता है। गेटिंग द पॉइंट? तो दोनों मैकेनिज्म थे। अब इसमें से आपको टेम्परेचर देके पूछ सकते हैं कि एंड प्रोडक्ट क्या है, या आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बोकेटाइन किस में बन रहा है। तो कार्बोकेटाइन एल्कीन जब बनती है तब बनता है, इस केस में कार्बोकेटाइन नहीं बनता, इस केस में बैक साइड अटैक होता है। समझ आ रही है? अगर नेक्स्ट प्रिपरेशन, बेटे ईथर में दो ही प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टू, आज तक इन दोनों से ही क्वेश्चन आए हैं, एक तो हमने कर ली है, दूसरी भी की हुई है, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। आप अगर आपको याद हो विलियमसन, अच्छा नेम, डू द नेमिंग जो हमने भी बनाया उसका नेम क्या है, जो अभी आपने प्रोडक्ट बनाया उसका नेम क्या है, इथर एज ए फंक्शनल ग्रुप नेम, नेम आते हैं ये भी देखें आपको। कौन सा इथर? एक ही थाइल है तो कॉमन नेम है, इसको बोलेंगे डाई इथाइल ईथर, दो ही थाइल लगे हुए हैं। आईयूपीएसी नेम बोलो बेटे आपको, कन्वर्जन्स में जो मैं एमसीक्यू आता है, मान लो मैंने इथेनॉल लिया है, आई हैव टेकन इथेनॉल, अगर वो एग्जाम में प्रोपेनॉल दे दें फिर, और प्रोपेनॉल दे के और आपको बोले कि इसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया है, द टेम्परेचर 413 केल्विन दे के, एंड प्रोडक्ट क्या है, फोर ऑप्शन दे रखी हैं और सबके पीछे ईथर लिखा हुआ है, तो आपका एंड प्रोडक्ट क्या है आपको कैसे पता चलेगा, जब नेमिंग ही नहीं पता होगी। ऑक्सी लगता है बेटे, इथॉक्सी इथेन, नॉमेनक्लेचर ही नहीं हमें आता। 11th की ना ऑर्गेनिक शुरू होनी है अभी नेक्स्ट वीक, उसकी वीडियो देख लिया करना जाके, अभी हमने नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करवाना उनको स्टार्टिंग। ठीक है, या थर्ड लेक्चर वहां के बैठ जा करना। इथॉक्सी इथेन, अगर हम प्रोपेनॉल लोगे तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन या डाई प्रोपाइल ईथर, आपको कोई भी बेटे एक ईथर नहीं एग्जाम में आने वाला। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, जो मर्जी,
अब विलियमसन सिंथेसिस भी हमने किया हुआ है, इफ यू रिमेम्बर, जब हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी एलो एल्केन की, सेकंड रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस थी। लो हेलो एल्केन, इथाइल क्लोराइड लो, हरी अप, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड ले लिया। अच्छा, अगर मैं इसको एक्वस KOH के साथ, दिस इज नॉट अ विलियमसन सिंथेसिस, एक्वस KOH के साथ ट्रीट करती थी तो यहां पे OH आके यहां पे अल्कोहल बनता था नहीं? अब एच की जगह पे हमने कोई भी आर ग्रुप लगा दिया, एच की जगह पे कोई भी हमने आर ग्रुप लगा दिया, मतलब अल्कोहल जो बेस है आपका KOH, उसका एच या NaOH बेस है उसका एच रिप्लेस करके कोई अल्काइल ग्रुप ले आए आप, जैसे कि KOCH3 ले आए या NaOCH3 ले आए। मैं उल्टा लिख रही हूँ कि आपको याद हो जाए, पेपर में ऐसे लिखा आएगा CH3ONA, इसमें H को R के साथ ही रिप्लेस करते हैं विलियमसन सिंथेसिस में। तो जब ये R ग्रुप आ जाएगा, अगर यहाँ पे आके OH ने अटैक किया है तो यहाँ पे आके किसने अटैक करना है? O R ने। अगर मैं ये लेती हूँ तो मेरा एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 5 OCH3, इथर ही तो बना, इथर ही तो बना। सेकेंड थी बेटे, ये सेकेंड केमिकल रिएक्शन थी। अब रिएक्ट करो, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करो। ये मैंने सोडियम मिथॉक्स पोटेशियम मिथॉक्साइड के साथ किया है, अब करो सोडियम इथॉक्साइड के साथ खुद। इथाइल क्लोराइड लो, सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करो। व्हाट इज सोडियम इथॉक्साइड? 2 कार्बन वाला। कर लिया। हाँ मान गया, यू आर राइट। ठीक, तो जैसे हमने पहले डाइथाइलिथर बनाया था वही बना। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जब हमने टर्शरी ईथर बनाने हैं तो हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड का भी नहीं लेते। अगर आप ये चाहते हो कि ये 2 कार्बन से ऑक्सीजन के अराउंड 2 R ग्रुप है, ईथर क्या है? 2 R ग्रुप, यहाँ पे R ग्रुप, यहाँ पे R ग्रुप, यही तो ईथर है। 1 R ग्रुप टर्शरी हो जाए, आप ये चीज तो टर्शरी ले लोगे, मगर ये कभी नहीं टर्शरी लेते। क्यों हम देखते हैं? ठीक, तो पहले मैं ये वाली चीज टर्शरी लेके दिखाती हूँ आपको। ये कंप्लीट द रिएक्शन पे बहुत बारी आ रखी है, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आनी ही आनी है एमसीक्यू में, एग्जाम में। अगर मैकेनिज्म के बाद ईथर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट है, जो पहला मैकेनिज्म आपने किया वो यही है, ये 2 ही क्वेश्चन रिपीटेडली आए हैं सिर्फ, क्योंकि बेटे पूरा चैप्टर ये 5 to 6 मार्क्स का होता था तब,
और इसमें से दो नंबर के ईथर थे, या तो ये वाली रिएक्शन होती थी या मैकेनिज्म था, इसके अलावा कुछ नहीं। अब लेट मी टेक दिस वन, ये है कार्बन, ये ओ एन ने इसके साथ सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री, आई एम रिएक्टिंग विद दिस। अब ये बैक साइड अटैक करेगा जैसे न्यूक्लियोफिलिक में करता है। बनाओ एंड प्रोडक्ट, हरी अब अपने आप बनाओ, हरी अब। बन गया, जब हमने बेटे टर्शरी ईथर लिया, टर्शरी एपॉक्साइड लिया, तब तो हमें ईथर मिल गया। ठीक है, अगर मैं इससे उल्टा कर दूं, मतलब मैं टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लूं और जो ईथर है मींस जो एल्कोक्साइड है वो प्राइमरी ले, उल्टा हो गया रिएक्शन। जहां पे सीएल है वहां पे अब ओएन ने ले, जहां पे ओ एन ए था वहां पे हम सी एल ए, यही किया मैंने। अब आपको पता है एंड प्रोडक्ट ईथर नहीं बनेगा, एंड प्रोडक्ट एल्कीन बनेगी। एंड प्रोडक्ट ईथर नहीं है बेटे, एंड प्रोडक्ट एल्कीन है। देखो अगर इसको ध्यान से देखो आप, अगर आपको याद हो कि हेलो एल्केन टू टाइप की रिएक्शन जाते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में आप न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करते हो, एलिमिनेशन में बीटा एलिमिनेशन जाते हैं, जहां पे जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हो, याद करो सेट्स ऑफ रूल से किया था, और मैंने आपको बोला था कि न्यूक्लियोफाइल जब बिहेव करता है तो एक्वस KOH बिहेव करता है या एक्वस NUH बिहेव करता है। एलिमिनेशन में आप एल्कोहलिक KOH लेते हो या एल्कोहलिक NUH लेते हो, याद करो। अगर मैं एल्कोहल में NUH डालूंगी ना तो यही बनेगा, देखो ध्यान से। अगर मैं एल्कोहल में NUH डाल दूंगी, अगर वैसे देखा जाए कि एल्कोहल एक एसिडिक है, अगर एसिड से एच प्लस निकला तो हमारे पास सॉल्ट ही बनेगा। सॉल्ट कौन सा बनेगा? सोडियम इथोक्साइड। जब आप बेटे टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लेते हो, टर्शरी लिया अब मैंने, तो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन ना होके एलिमिनेशन की तरफ चली जाती है, और एलिमिनेशन में हमें सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं मिलता, हमें एल्कीन्स मिलती हैं। ये टू रिएक्शंस आर सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस कि आपको पता होना चाहिए कि जब हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करेंगे ना, इसके साथ ईथर नहीं बनेंगे हमारे पास, तब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करेगा, एज अ बेस एक्ट करेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड अ बेस? न्यूक्लियोफाइल वो होता है बेटे जो
जो जहां पे कार्बन की डेफिशिएंसी है ना, वहां पे जाके अटैक करता है। जैसे कि ये क्लोरीन था, ये सात वाली कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो ये वाली कार्बन क्या थी, पॉजिटिव चार्ज था ना, तो इस न्यू ये नेगेटिव चार्ज वाला था, इसने आके इस कार्बन को अटैक किया और वहां पे जाके लग गया। किस कौन सी रिएक्शन करते हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो आप एल्डिहाइड की टोन्स में करोगे आगे जो चैप्टर आएगा टर्म सेकंड, ठीक, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो इसमें करी है हेलो एल्केन्स में करी है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल गया तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया, सीएल नेगेटिव गया तो एच पॉजिटिव आया, सॉरी ओ आर नेगेटिव आया, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर अटैक करता है और वहां जाके लग जाता है, होता वो भी नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। बेस प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करता है, एच पॉजिटिव जाके निकाल के लेके आता है, वो बेस है भाई। जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं हेलो एल्केन को, हम जब KOH एक्वस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एल्कोहल बनती है, उस टाइम वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। दोबारा गेटिंग माई पॉइंट, बेस जब जाता है ना, जब बेस की तरह OH नेगेटिव एक्ट करता है तो एच पॉजिटिव लेके आता है, बेस और न्यूक्लियोफाइल में पता ही नहीं अभी हमें फर्क, ऑर्गेनिक कर रहे हैं हम। बेस का काम है प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना, न्यूक्लियोफाइल का काम है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर अटैक करना जाके, समझ आ रही है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अब जो ये इथॉक्साइड है वो एच प्लस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं एक्ट करेगा, समझ आ रही है। अब ये क्या करेगा, किसी मर्जी कार्बन से ये जाएगा, यहां से एच पॉजिटिव ले लेगा, ये ले लिया, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा क्योंकि एच पॉजिटिव लिया है, वो बॉन्ड छोड़ के गया अपना, और ये क्लोरीन बाहर आ जाएगी, तो क्या बन गई आपके पास, एल्कीन नहीं बन गई, समझ आई। तो एल्कीन कैसे बनी, देखो CH3 डबल बॉन्ड CH2, अब इस वाले पार्ट के साथ ये एच लग गया और Na के साथ Cl निकल गया, ये ऊपर वाली रिएक्शन क्या थी, सब्स्टिट्यूशन। नीचे वाली रिएक्शन क्या है, एलिमिनेशन। यहां पे जो इथॉक्साइड था वाज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहां पे इथॉक्साइड इज एक्टिंग एज अ बेस, राइट डाउन। बहुत